हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। आज देखिए, मैं आपको एक सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस का वॉकथ्रू दिखाना चाहूँगा जो कि रेंट पोर्शन है एंड कुछ अलमीरा शेल्व्स है। देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट, ऊपर जो है POP बॉर्डर से बॉर्डर पट्टी से कह सकते हैं। तो इसका कुछ जानकारी आज मैं आपको देना चाहूँगा। बने रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन जुड़े जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो एक रेंट पोर्शन है तो वहाँ पे आप किस तरह से उस कितना खर्चा कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप बना सकते हैं, आपको कुछ हेल्पफुल हो सकता है मे बी इस वीडियो में। तो देखिए शुरू से अंत तक कुछ ना कुछ और हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल सा प्लान है, कुछ भी नहीं, प्लान में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका मैं प्लान का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो देखिए इस तरह का सामने जो है शेल्व्स किया गया, वहाँ से एंट्रेंस गया। एंट्रेंस इसका साइज़ जो है 3 फीट 6 इंच रखा गया डोर का साइज़। यहाँ पर विंडो का साइज़ जो है 5x4 फीट में रखा गया। ये है विंडो का साइज़ 5x4 फीट में। फिर देखिए ऊपर जो है बॉर्डर पट्टी लगाया गया, नॉर्मल सिंपल सी बॉर्डर पट्टी, वो आपको 23 रुपये 28 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से लगा के दे देंगे आपको। एंड उसके बाजू में ही थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वो थोड़ा सा उसको और ज़रा खूबसूरती देना चाह रहे हैं ना, तो उसकी वजह से जो इसके बीच में और थोड़ा साइज पे जो है और एक बॉर्डर पट्टी लगाया गया। ये हल्का सा बारीक वाला पट्टी है इस तरह का, उसको क्या है आप चाहे तो कौन सा भी कलर भी लगा सकते हैं, उससे और खूबसूरती बढ़ जाएगा अपने घर का। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ बीच में एक फ्लावर पॉट लगाया, ये आपको करीब 200-250 रुपये में मिल जाएंगे। ये साइज़ के हिसाब से रहता है, 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट उसके हिसाब से रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी टाइल्स है, इधर इतना सा नॉर्मल टाइल्स। फिर यहाँ पे किचन, उधर एक बेडरूम लिया गया, इधर जो है सामने टॉयलेट रूम, तो टॉयलेट रूम यहाँ पर ही लिया गया। और देखिए यहाँ पर ये शेल्व्स है, स्टेप बाय स्टेप शेल्व्स आप देख सकते हैं। और शेल्व्स का पैटर्न इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रख लीजिए या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए शेल्व्स का पैटर्न का, इस तरह का। नीचे कुछ सामान रख सकते हैं, ऊपर इस तरह का। और वहाँ पर भी थोड़े से शेल्व्स लिएगा, तो वहाँ पे तो डोर आ जाएगा ना, तो डोर आ जाएगा, डोर के बाद जो है वो जगह छोड़ के शेल्व्स लिया गया। एंड ग्रैनेट, यहाँ पर भी पूरा ग्रैनेट लगाएगा। ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है रेंट पोर्शन में, इसका नेसेसरी नहीं है। ओके दोस्तों, नेसेसरी नहीं है, आप मत कीजिए। फिर उसके बाद ये टाइल्स, वेट्रीफाइड टाइल्स आपको 2x2 के हिसाब से मिल जाएंगे। फिर देखिए मीडियम साइज़ है बेडरूम, और वहाँ पे कोने में एक बेडरूम लिया गया, सॉरी विंडोज़, सभी विंडोज़ को जो है ग्रेनाइट टाइल्स लगाया गया। वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है, नेसेसरी नहीं है, आप इस्तेमाल ना करिए। एंड वहाँ पे सिंगल ब्रिक्स लीजिए पूरा कंप्लीट, जितना भी है सिंगल ब्रिक्स है, लेंटल में वो छुपा हुआ देख सकते हैं आप सिंगल ब्रिक्स का। एंड अलमीरा शेल्व्स यहाँ पे बड़ा लिया गया, इधर जो है स्टेप्स लिया गया शेल्व्स। ये शेल्व्स किस तरह से बनाया जाता है उसका मैं पूरा प्रोसीजर अपलोड किया हूँ वीडियो में, जस्ट आप सर्च कर लीजिए शेल्व्स बोल के, शेल्व्स या फिर अलमीरा वार्डरोब मेकिंग प्रोसेस बोल को आप टाइप करें तो आपको मालूम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इधर एक बाथरूम है, ये बाथरूम यहाँ पर एक हैंड वॉश लिया गया, अच्छा है। टाइल्स थोड़ा सा टाइल्स डाल दीजिए थोड़ा, ये भी आपका एक एडवांटेज ही है, शेल्व्स लगाना भी एक एडवांटेज ही है। और ये बाथरूम में अच्छा टाइल्स, क्वालिटी का टाइल्स है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। एक छोटा सा सिंपल सा वॉक थ्रू था इस घर का, करीब और अब हम चलते हैं किचन में। किचन में किस तरह से है वो मैं वो बता दूंगा। यहाँ पे देखिए ये है किचन आपका, किचन में इस तरह का टाइल्स है, मैट टाइल्स, यानी कि ये क्या है, इसका एडवांटेज रहेगा ये कोल्ड ज़्यादा नहीं रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। किचन ज़्यादा हीट होता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक पाइप लिया गया टेम्प्ररी के लिए। और टाइल्स भी नॉर्मल टाइल्स है, खूबसूरत दिख रहा है, बढ़िया सा है। एंड इसके बीच में ही शेल्व्स बनाए हैं इसको, तो वहाँ से आप कुछ सामान ले सकते हैं, जैसे कि
बट एक दिक्कत सामना करना पड़ता है, यहाँ पे आप गैस स्टोव रखिए समझ लीजिए, तो उसका जितना भी वो ऑयल फ्राइड रहता है वो पूरा चिपक जाएगा आपके सामान को। ओके, इसको अभी काम बाकी है, शेल्स इस तरह से लगाया है, छोटा सा शेल्स मतलब ऐसा नमक मिर्ची वगैरह आप रख सकते हैं। इसको एक विंडो कंपलसरी चाहिए, हर कौन सा भी रहने दे, विंडो तो कंपलसरी चाहिए। एंड ऊपर एक वेंटिलेटर का साइज जो है 2.5 बाई 1.5 फीट का है। आजकल कैसे अगर बीच में जाली आ रहा है, नीचे ओपन रहेगा, ऊपर ओपन रहेगा तो पैक रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए शेल्स, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए, जैसे कि वहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ के दरवाज़ा लिया गया, मतलब शेल्स के लिए वहाँ पे जगह बनाया गया। एंड यहाँ पर छोटा सा मंदिर, पूजा मंदिर, ईस्ट यानी कि भगवान का फेस ईस्ट की तरफ है, हमारा फेस जो है वेस्ट की तरफ, शिव पार्वती का। ओके, ये एक रेंट पोर्शन को मैं बताया हूँ, अगले इसमें आपको इसी तरह से और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, जुड़े रहेगा वीडियो में पूरा अंत तक। और इसका हाइट भी एक कंफर्टेबल लेवल पे है, यहाँ पे एक पट्टी है, इधर एक पट्टी यहाँ पर है, इधर नीचे एक पट्टी है इस तरह का। एंड इसको थोड़ा सा हाइट लिया गया ताकि यहाँ से पानी ऊपर ना जा सके, उसकी वजह से वहाँ पे नीचे कुछ भी आप सामान रखिए समझ लीजिए, तो थोड़ा सा हाइट रखा गया। और किचन का शेल्स इतना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फीट में ही है किचन शेल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। यहाँ पे नेंटल, और ये नेंटल थोड़ा सा बड़ा लिया तो और बेहतर था, एडवांटेज था, नेंटल हो सके तो बड़ा लीजिए, ठीक है दोस्तों, शायद ये कुछ बड़ा लिए तो और अच्छा था।